अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल की, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये भूख हड़ताल विश्वविद्यालय में लंबे समय से चल रहे मुद्दों के समाधान को लेकर की गई। इस भूख हड़ताल में 9 लोग सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे। उन्होंने भूख हड़ताल के माध्यम से प्रदेश सरकार और कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन को जताते हुए बताया कि आने वाले समय में अगर हमारी मांगों के ऊपर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो विद्यार्थी परिषद कृषि विश्वविद्यालय इकाई एक उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश व कृषि विश्वविद्यालय की होगी। नमस्कार, वंदे मातरम, राहुल शर्मा, प्रांत सह मंत्री। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में सांकेतिक भूख हड़ताल का आज ये आखिरी दिन है। ये सांकेतिक भूख हड़ताल जो है मुख्य रूप से दो मुद्दों के लिए रखी गई है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के में जो बढ़ी हुई फीस है और जो री एम्प्लॉयमेंट कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में दी जा रही है। बढ़ी हुई फीस को अगर हम देखें तो हमारे जो आसपास के विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि जूनागढ़ विश्वविद्यालय है जहाँ 10,000 फीस है, ये हिसार विश्वविद्यालय है जो हरियाणा में है जहाँ पे 12,000 रुपये फीस है। अगर हम बात करें बिहार के विश्वविद्यालय में भी 3,000 फीस प्रति सेमेस्टर है। लेकिन हम जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर की या नॉन यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ जो फीस है वो 70,000 से लेकर 1,00,000 तक एक सेमेस्टर की जाती है, और जो मैक्सिमम सीट्स है वो SFS की है। अगर हम देखें जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में, हिसार में और देखिए बिहार में, तो कोई भी SFS सेल्फ फाइनेंसिंग नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। जो भी फीस होती है वो सबके लिए बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे देखें तो 120 में ऐसे स्नातक में सिर्फ 20 सीटें जनरल की है, बाकी सारी सीटें SFS में डाल दी है, जिसकी जो फीस है वो 1,00,000-2,00,000 से ऊपर जाता है। हमें पता है हमारे हिमाचल में जो है प्रति व्यक्ति आय 1,58,000 है, लेकिन ये सोचने का विषय है कि जिस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,58,000 हो, वहाँ पे क्या इतनी फीस देना, 2,00,000 प्रति सेमेस्टर की फीस देना वाजिब है रख रहे। अगर हम री एम्प्लॉयमेंट की बात करें, BSc MSc PhD करने के बाद जब कोई छात्र अगर रोजगार पाने के लिए जाता है तो उसको रोजगार के अधिकार से वंचित किया जाता है। वो इस प्रकार प्रदेश सरकार ने एक नई नीति अपनाई है और यहाँ के जो विश्वविद्यालय प्रशासनों से एक नई नीति अपनाई है, जिसे हम कह सकते हैं ई मेरिटस प्रोफेसर, जो कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में चल रहा है, जिसमें जो रिटायर्ड एंड टायर्ड प्रोफेसर हैं उनको द्वारा पुनर्रोजगार दिया जाता है। और जिससे जो हमारे जो BSc MSc PhD करने के बाद जो छात्र रोजगार की तलाश में रहते हैं उनको भी इस रोजगार के अधिकार से जो है वंचित रखा जाता है। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं कृषि के छात्रों के साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार है और मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए पालमपुर से कविता मिराज की रिपोर्ट।